जी स्टूडेंट्स, आज आप सीखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। देखें, ये लिखा हुआ है, राइट दी फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। इस क्वेश्चन नंबर 3 के हम इन गिवन पार्ट्स को लिखेंगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। तो पहले वन पार्ट में देखें क्या लिखा हुआ है, ए डॉट ए डॉट ए। इनमें डॉट्स का मतलब मल्टीप्लाई है, ए मल्टीप्लाई ए मल्टीप्लाई ए, तो यानी कि 3 टाइम्स ए मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे। तो कैसे लिखेंगे, ए की पावर हम 3 लिख देंगे क्योंकि ए 3 टाइम्स है। अब इसी तरह ये वन पार्ट की एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, ए की पावर 3। इसी तरह से जो भी नंबर लिखा हो पावर में उसको हम कहते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अब ये सेकंड पार्ट में देखें क्या लिखा हुआ है, एक्स डॉट एक्स, यानी कि एक्स मल्टीप्लाई एक्स। इसमें एक्स 2 टाइम्स हैं, तो हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे, तो एक्स की पावर क्या आ जाएगी, 2। अब इसके आगे थर्ड पार्ट में देखें, इसको भी हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, ये एक्स वाई 3 टाइम्स है, यानी कि एक्स वाई 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हम लिखेंगे एक्स वाई, ये दोनों अल्फाबेट ब्रैकेट में लिखेंगे, तो बाहर पावर इसकी आ जाएगी 3। इन तीनों टर्म्स को हम दूसरी फॉर्म से भी लिख सकते हैं। कैसे, देखें, ये एक्स भी, एक्स के ऊपर भी 3 लगा सकते हैं और वाई के ऊपर भी 3, क्योंकि इसमें एक्स भी 3 है और वाई भी 3। इसमें ये 3 पार्ट के दोनों आंसर ठीक हैं, लेकिन हम यही आंसर लिखेंगे इसमें, क्योंकि इनमें देखें एक्स और वाई दोनों के ऊपर 3 है और ये इसमें दोनों का कॉमन बाहर 3 है। अब ये फोर पार्ट में देखें, ये m 4 टाइम्स हैं, कितने टाइम्स, 4 टाइम्स, तो हम m की पावर क्या लिख देंगे, 4। अब हम ये ब्लैंक्स फिल करेंगे, कैसे करेंगे, इसमें देखें, इसमें हम लिख देंगे a और पावर इस ब्लैंक में आएगी, ऊपर वाली ब्लैंक में पावर क्या है, 3। अब इस ब्लैंक में क्या लिखेंगे, x, और इसकी पावर ये ऊपर वाली ब्लैंक में आएगी, 2। और ये इस ब्लैंक में क्या लिखेंगे, ये ब्रैकेट में लिखेंगे एक्स वाई, ब्रैकेट में क्या आएगा, एक्स और वाई, और इसकी पावर इस ब्लैंक में आएगी ऊपर वाली में। अब ये ब्लैंक्स में क्या लिखेंगे, एम, और पावर इसकी इस ब्लैंक में आएगी ऊपर वाली में। अब आप समझेंगे क्वेश्चन नंबर 4। ये लिखा हुआ है, सेपरेट द टर्म्स ऑफ द फॉलोइंग। इस क्वेश्चन में हम सेपरेट करेंगे टर्म्स को, तो इसके पहले वन पार्ट में देखें, लिखा हुआ है 2a प्लस 2b। इस पार्ट में 2 टर्म्स हैं, 2a और 2b, इन दोनों को हम सेपरेट करेंगे। कैसे करेंगे, देखें, इस ब्लैंक में हम पहले लिख देंगे 2a, फिर हम कॉमन लगा देंगे, तो फिर क्या लिख देंगे, 2b। इसमें ये 2b के साथ प्लस का साइन नहीं लगाएंगे कॉमे के बाद, क्योंकि प्लस का साइन ना भी लगाओ फिर भी प्लस होता है। अब ये सेकंड पार्ट में देखें क्या लिखा हुआ है, l माइनस 2nm प्लस 4n। अब इस पार्ट में 3 टर्म्स हैं, l, 2m और 4n, इन तीनों को हम सेपरेट करेंगे। कैसे करेंगे, पहले l लिखेंगे फिर कॉमा लगाएंगे, फिर हम ये माइनस जरूर लगाएंगे, माइनस हो तो वो ज़रूर लगाना होता है, माइनस 2m, फिर उसके बाद कॉमा, फिर आगे प्लस 4n, तो प्लस नहीं लगाएंगे तो 4n लिखेंगे, 4n। अब इसके आगे 3 पार्ट में देखें क्या लिखा हुआ है, 9a² माइनस 12b². अब इनको, इन दोनों टर्म्स को हम सेपरेट कैसे करेंगे, पहले हम लिख देंगे 9a², फिर आगे ये कॉमा लगाएंगे, फिर ये माइनस बी ज़रूर आएगा 12 के साथ, माइनस 12b². अब इसी तरह ये 3 पार्ट की दोनों टर्म्स सेपरेट हो गई, 9a² आगे कॉमा माइनस 12b². अब ये 4 पार्ट में देखें, इसमें भी 3 टर्म्स हैं, a, 8b और 4c, इन तीनों को सेपरेट कैसे करेंगे, पहले a लिखेंगे फिर कॉमा, फिर 8b लिखेंगे क्योंकि प्लस नहीं आएगा, फिर कॉमा लगाएंगे, फिर ये माइनस आएगा, माइनस 4c।